पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP के कानूनी आश्वासन की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं MSP क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किसानों को मूल्य स्थिरता और आय सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा नियोजित एक प्रणाली है। यह कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य के रूप में कार्य करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। सरकार समय समय पर इनपुट लागत, मांग आपूर्ति की गतिशीलता और मुद्रास्फीति के दबाव जैसे कारकों के आधार पर MSP को संशोधित करती रहती है। MSP गणना की क्रियाविधि। MSP गणना में उत्पादन चक्र के दौरान किसानों द्वारा किए गए विभिन्न लागत घटकों पर जटिल विचार शामिल है। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP उत्पादन लागत के व्यापक आकलन के आधार पर MSP की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 मुख्य लागत सूत्रों का उपयोग किया जाता है। A2 यानी वास्तविक भुगतान लागत, A2 प्लस FL यानी वास्तविक भुगतान लागत और पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य, तथा C2 यानी स्वामित्व वाली भूमि और पूंजी पर लागू किराए एवं ब्याज समेत व्यापक लागत। सरकार का लक्ष्य MSP को एक ऐसे स्तर पर निर्धारित करना है जो किसानों को न्यूनतम लाभ मार्जिन सुनिश्चित करता है और उनके उत्पादन खर्च को कवर करता है, सामान्यतः उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना। MSP के अंतर्गत शामिल फसलें। सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP की घोषणा करती है। अनिवार्य फसलें हैं खरीफ मौसम की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें। फसलों की सूची इस प्रकार है। खरीफ फसलें धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड और कपास। रबी फसलें गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों तथा कुसुम। अन्य फसलें खोपरा और जूट। MSP को वैध बनाने में प्रमुख चुनौतियां। वित्तीय बोझ। सभी फसलों पर कानूनी MSP लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो सरकारी बजट के लिए चुनौतियां उत्पन्न करता है। निवेश को हतोत्साहित करने वाला कानूनी MSP कृषि में निजी निवेश को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से मूल्य विकृतियों और अनिश्चितताओं के कारण MSP के अंतर्गत आने वाली फसलों में। जल की कमी संबंधी चिंताएं। धान और गन्ना जैसी MSP समर्थित फसलों में जल की अत्यधिक खपत होती है, जिससे उन क्षेत्रों में जल की कमी की समस्या बढ़ जाती है जहां उनकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। गैर MSP फसलों की उपेक्षा। कुछ फसलों के लिए MSP को वैध बनाने से अनजाने में गैर MSP फसलों की उपेक्षा हो सकती है, जिससे फसल विविधता, पोषण और स्थिरता प्रभावित हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मूल्यों हेतु सिफारिशें कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP के द्वारा की जाती है। 2. वर्तमान में केवल 20 फसलों के लिए MSP की घोषणा की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।